नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच। तो आज ये मेरा वीडियो जो इसका स्विफ्ट डिजायर का जो म्यूजिक प्लेयर सिस्टम है, मैं उसके विषय में बात करूंगा। उसके विषय में आप लोग को मैं बताऊंगा कि उसको उसमें क्या फंक्शन है, उसको उसमें कैसे यूज करें, कैसे क्या क्या करने पर क्या होता है। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं आप लोग को कुछ बता दूं इसके विषय में। ये स्विफ्ट डिजायर 2017 मॉडल है और इसका फंक्शन जो है मल्टीमीडिया का, नॉर्मल मल्टीमीडिया है मैनुअल। और मैं बता दूं इसमें 4 स्पीकर लगे हुए हैं। अगर आप चाहें तो सेटिंग के माध्यम से आप एक स्पीकर बजा सकते हैं, 2 स्पीकर बजा सकते हैं, चाहे तो चारों यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब सेटिंग में सारा सिस्टम पूरा उपलब्ध है। तो आप लोग हमारे वीडियो में देखिएगा, FM में क्या है, AM में क्या है, डाटा केबल में क्या है, USB में क्या है और CD में क्या है। तो इन सब 4 चीजों के विषय में मैं बात करूंगा और आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यह स्विफ्ट डिजायर का मल्टीमीडिया सिस्टम है। ये इसका डिस्प्ले है, ये इसका पावर बटन है और ये सारे सब बटन आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या काम है तो अपने वीडियो माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल चंदन ड्राइव एंड ब्लॉग चैनल पे आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना चाबी ऑन कर लेता हूं। मैंने चाबी ऑन कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं क्लस्टर में। तो मैं बता दूँ, इसको ऑन करने के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है और ऑफ करने के लिए 1 ऑप्शन है। तो वो कौन से बटन है तो आइए मैं बताता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं, ये वॉल्यूम पावर पुश बटन, इसको मैं पुश करूँगा एक बार, ये देखिए ऑन हो गया मल्टीमीडिया। और इसको मैं दोबारा पुश करूँगा, देखिए बंद हो गया। और कौन सा ऑप्शन है जो कि इसको ऑन करने के लिए, ये CD दिख रहे हैं, USB दिख रहे हैं, FM दिख रहे हैं, AM दिख रहे हैं। मैं इन सब बटन को चापूँगा तो ये जो कि ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए ऑन हो गया। ऑफ करने के लिए मैं इसे पावर बटन का ही प्रयोग करना पड़ेगा इस तरीके से। तो मैं बता दूं एक बात कि अगर यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पे डाटा केबल पेन ड्राइव लगता है। अगर मैं इसमें से डाटा केबल या पेन ड्राइव दोनों निकाल देता हूँ, अब मैं इन दो बटन का प्रयोग करूँगा, अब नहीं होगा। देखिए ऑन नहीं हो रहा है। FM मैं का बटन मैं पुश करूँगा, ये देखिए ऑन हो गया और ऑफ कर दिया। क्या है कि जब तक इसमें डाटा केबल और पेन ड्राइव लगा रहेगा तभी जो कि ये बटन काम करेंगे, या इसमें CD लगा रहेगा तब, नहीं तो वैसे काम नहीं करेगा। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया। तो आपको FM देखिए, FM 2 है, FM 1। तो FM 1 और 2 जो है सेम है। तो मैं FM 1 की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए जो पावर बटन है इसमें वॉल्यूम है, इसको मैं राइट साइड की तरफ घुमाऊंगा, ये देखिए तेज होगा, और लेफ्ट साइड की तरफ घुमाऊंगा, ये डाउन होगा। तो मैं इतना पे कर देता हूँ। तो अब इसको चैनल को चेंज करने के लिए, ये देखिए अप बटन है और ये डाउन बटन है। तो इसको मैं अप करता हूँ, ये देखिए अगला चैनल आ जा गया। एक बार और करता हूँ, ये देखिए दूसरा अगला आ गया। और मैं इसको पीछे जाना है तो इसको डाउन करूँगा, देखिए पीछे चैनल आ गया। इस तरीके से आप इस बटन से सहयोग से आप चैनल को सेट कर सकते हैं। और ये सब चैनल जो है, ये सब ऑटोमेटिक सेट होता है। ये देखिए मेरा चैनल जो कि सेट नहीं है, तो इसको मैं सेट करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए मैं 1 नंबर पे आ गया, 1 नंबर पर कोई चैनल नहीं सेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं EST एक बटन दिया हुआ है, मैं इसको पुश किया रहूँगा, आप लोग देखिएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक जो है कि चैनल सेट हो जाएगा सारा। इसमें जितने चैनल रहेंगे, जितना कैच करेगा सब सेट हो जाएगा, कुछ थोड़ा समय लेता है। देखिए 1 नंबर में ये सेट हो गया जो कि अभी फिलहाल कुछ नहीं पकड़ रहा है। ये देखिए 2 नंबर, देखिए पकड़ लिया। ये 3 नंबर, ये 4, ये 5 और ये 6। इस तरीके से अपना ये चैनल सेट कर सकते हैं नंबर वाइज। और दूसरा ऑप्शन इससे अप डाउन बटन से अपना सेट कर सकते हैं। ये था FM का सिस्टम। और मैं AM के विषय में चलता हूँ। तो मैं AM कर दिया हूँ, ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर,
ये देखिए कोई भी चैनल सेट नहीं है, तो इसको मैं आप जो है कि ये डाउन अप बटन से सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने FM में आप लोग को दिखाया उस तरीके से सेट करेंगे। सेम कंडीशन है, कोई अलग से कोई कुछ नहीं करना है इसमें, आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक सेट होता रहेगा। देखिए सेट हो गया, और इसको वापस जाना उसी चैनल पे, ये मैं डाउन कर दिया। ये देखिए इस पे हो गया, अब देखिए मैं एक नंबर करता हूँ, देखिए कोई चैनल सेट नहीं है, वॉल्यूम तेज करके दिखा रहा हूँ आप लोग को थोड़ा सा। ये दो पे आ गया, ये देखिए नहीं सेट है, तो मैं एक पे जाता हूँ, और जो यहाँ पे ESC बटन है मैं इसको पुश करता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिक सब सेट हो जाएगा मेरा, जिसमें जितना भी चैनल कैच करेगा सब सेट हो जाएगा। देख सकते हैं ये चैनल सेट हो गया, ये मैं दो नंबर पे करता हूँ, ये देखिए इस पे चल रहा है, मैं तीन करता हूँ, ये देखिए इस पे चल रहा है, ये चार नहीं चल रहा है, ये पाँच, ये छः, जो कि ये खाली है, और तीन पकड़ रहा है। तो ये था FM और AM का सिस्टम। अब मैं आता हूँ CD पे, ये देखिए CD जो बटन है मैं इसको क्लिक करता हूँ, और जो इसमें डाटा केबल लगा रहेंगे, ये डाटा केबल आप अपने मोबाइल से चलाएंगे तो आपका पूरा कंट्रोल आपके मोबाइल से रहेगा, और इस मल्टीमीडिया से आपका सिर्फ वॉल्यूम को तेज और मध्यम कर सकते हैं। तो आइए अब आते हैं USB पे, USB पे मैं क्लिक करता हूँ, हर कदम पर ये देखिए तुमको सलाम होगा। USB चल रहा है मेरा, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये साउंड है, मैं साउंड थोड़ा कम कर देता हूँ, ये देखिए मैं अप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो कि गाना चेंज हो रहा है। तो इसमें जो है कि USB का सिस्टम क्या है, तो आप यहाँ से अप डाउन बटन जो दोनों हैं इससे आप गाने को मतलब आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हो रहा है, अगर आप कुछ सेकेंड तक भगाना चाहते हैं तो ये जो अप बटन है इसको आप पुश किए रहेंगे, ये देखिए जहाँ पे सेकेंड दे सकते हैं, ये भाग रहा है आगे तरफ बढ़ा है, ये देखिए मैंने 1 मिनट 40 सेकेंड जो कि बढ़ा दिया गया है। और अगर इसको वापस आप लाना चाहते हैं, ये जो डाउन बटन है इसी को पुश किए रहेंगे, ये देखिए रिवर्स आ रहा है, पीछे आ रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। और नेक्स्ट करना है तो इसको अब, और पिछला गाना लाना है, ये 13वां आ गया, पिछला 12वां गाना लाना है, इसको दो बार क्लिक करेंगे, देखिए एक बार क्लिक करेंगे तो यही गाना स्टार्ट मतलब हो जाएगा शुरू से, देख सकते हैं। और इसी को दो बार थोड़ा सा एक लगातार मतलब दो बार पुश करेंगे, ये देखिए पिछला गाना आ गया। तो ये है इसका सिस्टम। तो आइए मैं इस यहाँ पे RPT जो दिख रहे हैं, तो इसका क्या काम है, मैं इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं RPT शो कर रहा है। तो ये गाना जो गाना चल रहा है इस टाइम फिलहाल, ये इसी गाना को बार बार रिपीट करता रहेगा, जब तक आप इस सिंबल को नहीं हटाएंगे तब तक ये रिपीट करता रहेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं ये RPT, और एक बार मैं और क्लिक किया, ये देखिए F RPT, F का मतलब ये फोल्डर जो है चौथा फोल्डर चल रहा है, इसमें जितने भी सारे गाने होंगे सब उसी गाने को रिपीट करेगा शुरू से लेकर अंत तक। अगर 10 गाना है तो 1 से 10 तक चलेगा, फिर वापस 1 पे आ जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ ये जो डिस्प्ले है, और ये डिस्प्ले जो बटन है मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए USB फोल्डर न्यू सॉन्ग, ये जो मतलब जो आपका जो फोल्डर है, जो उसमें जो फोल्डर जिस नाम से है वो सब शो करेगा, वो सब दिखा रहा है, ये देखिए गाने का नाम, ये देखिए नो टाइटल, ये देखिए आ गया, देख सकते हैं आप इस तरीके से है। और मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं पुश साउंड टोन फोल्डर, अगर आप इसको राइट साइड की तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं चौथा गाना, चौथा फोल्डर चल रहा है, तो यहाँ देखिए मैं एक तरफ राइट साइड की तरफ घुमाता हूँ, ये देखिए 5वां फोल्डर आ गया, एक बार और घुमाता हूँ, ये देखिए 6वां फोल्डर आ गया, तो ये देखिए पहला फोल्डर आ गया, तो इसमें 6 फोल्डर हैं। तो इस तरीके से आप फोल्डर अपना चेंज कर सकते हैं। तो मैं तीसरा फोल्डर चलाता हूँ, चौथा फोल्डर चलाता हूँ, ये देखिए चौथा फोल्डर का ये पहला गाना चल रहा है, तो इसका जो बेस है
आप पीसी में ये जो बटन है इसको पुश करेंगे एक बार, ये देखिए क्लासिकल, एक बार और मैं इसको घुमाता हूँ राइट साइड की तरफ, ये देखिए हिप हॉप, ये देखिए ऑफ, ये देखिए जॉर्ज, ये देखिए रॉक, ये देखिए पॉप, क्लासिकल, इस तरीके से इसमें पांच सिस्टम है। आप देख सकते हैं इसको घुमा रहा हूँ मैं राइट साइड की तरफ, आप लेफ्ट साइड की तरफ घुमा भी सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको मैं रॉक करता हूँ, एक बार मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसका बेस है, मैं इसको बेस अपने अनुसार सेट कर सकता हूँ। ये देखिए राइट साइड, ये जो मैं इसको राइट साइड की तरफ कर देता हूँ, ये जो राइट साइड का स्पीकर है ये बज रहा है, तो मैं इसको बराबर कर देता हूँ, ये देखिए मैं जीरो कर दिया, ये चारों जो स्पीकर एक साथ बज रहा है। एक बार मैं और क्लिक करता हूँ, ये देखिए फ्रंट, ये फ्रंट का स्पीकर चल रहा है, तो इसको मैं जो है कि जीरो कर देता हूँ ताकि सब बराबर रहे, बैलेंस रहे। तो इस तरीके से आप अपना जो है कि सेट कर सकते हैं, जो रॉक है, क्लासिकल, मतलब सारे जो पांचों सिस्टम है वो अपने हिसाब से अपना सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है सिस्टम, ये सब CD, USB, FM, AM और जो CD के लिए है उन सबों के लिए आप है। और CD आप कैसे लगाएं, यहाँ पे आप CD इस तरीके से करेंगे और थोड़ा सा हल्का सा पुश करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक अंदर हो जाएगा। और इसको निकालना है बाहर, तो इसको जो यहाँ पे जो ये बटन है इसको मैं पुश करूँगा, ये देखिए बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना CD लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इस तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।